वैसे तो 2018 में एक से बढ़कर एक खतरनाक फिल्म आ रही हैं दोस्तों, जो कि हमारी पल्स को बढ़ा देंगी, 100 गुना तेज कर देंगी। लेकिन यहां पर मैं एक ऐसी फिल्म की बात कर रहा हूं जो कि यशराज प्रोडक्शन हाउस की है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट की अगली फिल्म है। बात कर रहा हूं मैं टर्क्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में दोस्तों, जिसके डायरेक्टर हैं विजय कृष्णा आचार्य, यानी कि विक्टर। इनकी लास्ट फिल्म जो थी वो थी धूम, धूम 3। हाँ तो भाई, ऐसे में इस फिल्म में है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, मिस्टर बच्चन यानी कि सर बच्चन अमिताभ बच्चन जी, फातिमा सना शेख और कैटरीना कैफ। अब है ना, आपको बता दूं कि टर्क्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में ना कुछ भी चीजें रिवील नहीं कर रहे ये लोग, और ना ही लुक जारी कर रहे हैं, ना ही कुछ। कभी कभार जो स्पॉट कर लेते हैं हम लोग, तभी वही लुक निकल कर आता है, अदरवाइज ऑफिशियली कोई लुक नहीं आता है। ऐसे में दोस्तों इंटरनेट पर वायरल हो गया है मिस्टर बच्चन का एक लुक और मिस्टर आमिर खान का, मिस्टर परफेक्शनिस्ट का एक लुक। आमिर खान एकदम किकैस बैडएस नोटोरियस पायरेट लग रहे हैं, और बच्चन साहब यहां पर समझ में नहीं आ रहा वो एक वृद्ध व्यक्ति के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं या फिर एक वो चौकीदार, क्योंकि आपने देखा था एक गार्ड की तरह, एक जो पुराने जमाने में रॉयल गार्ड्स होते थे उसकी तरह उनका एक लुक जारी किया गया था, जो कि चोरी छुपके लिया गया था उनका लुक। तो भाई इस फिल्म के अंदर ये दोनों क्या पोर्ट्रे करने वाले हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी को इन्होंने पल पल बरकरार रखा है। आई एम तो सुपर एक्साइटेड कि दिवाली कब आए और दिवाली में हमें देखने को मिले टर्क्स ऑफ हिंदुस्तान। इससे पहले फातिमा सना शेख का लुक भी दोस्तों रिवील हो चुका है, उनका बहुत ही खतरनाक एकदम फियर्स वॉरियर का लुक था, और कैटरीना कैफ का भी एक दो डांस करते वक्त एक दो उनका लुक जारी किया गया था। इंटरेस्टिंग होगा देखना चारों का लुक दोस्तों। लेकिन ये लुक के बारे में आपको क्या कहना है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आमिर खान कैसे लग रहे हैं मुझे ना कहीं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी आपने, उसमें जो वो नहीं था जो विलन था जिसके ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए थे, वैसे लग रहे हैं आमिर खान। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन आपका है, इस्तेमाल कीजिए। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स मैं हूं यार राहुल बोझ, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है बॉस, फिल्मी आ रहा।